आइए अब सीधा रुख करते हैं जयपुर के रामलीला मैदान में, जहां राहुल गांधी अपनी जनसभा को संबोधित करने पहुंच चुके हैं। वंदन करता हूं इस अपेक्षा के साथ। आप देख रहे हैं राहुल गांधी मंच पे पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट व कई अन्य बड़े नेता भी उनके साथ मंच पे मौजूद हैं। बड़े दिनों से जो अटकलों का बाजार गर्म था कि कांग्रेस की राजनीति में बहुत ही अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन होगा कांग्रेस में राज्य का चेहरा, आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही राहुल गांधी के साथ बैठे हुए हैं। एक और जहां आप सबने देखा कि कोलकाता में अमित शाह ने भी एक जनसभा को संबोधित किया था, वहीं राहुल गांधी आज जयपुर के चुनावी रण का ऐलान करने आए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर पहुंचे और जयपुर में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ है और यहां पर तकरीबन हजारों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हुए। साथ उन्होंने उनसे पहले एक रोड शो निकाला। रोड शो में तकरीबन 20 से 25 हज़ार कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें बताया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक रोड शो हुआ है और हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हुए। इनसे हम बात करेंगे। राहुल गांधी का जो संबोधन हुआ है उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ कार्यकर्ता में जोश हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि राहुल जी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका आगमन जो हुआ है वो फूलों की बरसात के साथ हुआ है और ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जीत का बिगुल आज बज चुका है। और जिस तरीके से आप देख रहे थे रोड शो में लगातार लोग आकर के फूलों से उनका स्वागत कर रहे थे, सड़कों पर भीड़ उमड़ रही थी, बाइक्स रैली हो रही थी, ये अपने आप में एक संकेत है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और जिस तरीके से राहुल जी ने आज महिलाओं की बात कही है, महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, राहुल जी ने ये संकेत दिए हैं कि हम सरकार में आते ही महिलाओं की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। और जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था गड़बड़ा रही है उस पर भी राहुल जी ने अपने पूरी तरीके से अपनी बात विचार हमारे साथ में शेयर किए। और कर्ज माफ़ी की अगर हम बात करें तो राहुल जी ने बहुत साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस सरकार जैसे ही आएगी वैसे हम कर्ज माफ़ी पर बिल्कुल विचार करेंगे और किसानों के हित में हम फैसले लगातार लेते रहेंगे। और भी हम देखें तो भ्रष्टाचार की बात राहुल जी ने बहुत विस्तार से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की नाकामियों पर बात की है। यानी जो रोड शो हुआ है उन्हें आप किस तरह से मानते हैं, ऐतिहासिक बता रहे हैं या फिर किस तरह से मानते हैं? बिल्कुल ऐतिहासिक, ये बड़ा जोश है कि उस मतदान के दिन की इंतजार करें ये लोग, तो ये करें कि कौन सा दिन आए मतदान कर हम इस सरकार को बदले, इस भ्रष्टाचार सरकार को बदले। बिल्कुल पूरा जोश के साथ में किसानों के साथ, किसानों के बारे में उन्होंने कुछ बोला, युवाओं के बारे में बोला। आज के रोड शो के अंदर सबसे ज्यादा युवा थे और युवा के अंदर जोश था, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के साथ किसानों के साथ जो कुरारा घात किया है, युवाओं को रोजगार देने का वादा करके युवाओं को बेरोजगार कर दिया, रोड रोड पर ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर दिया। और राहुल जी ने ये आज साबित किया कि जो रिफेल के अंदर राजस्थान के और भारत के युवाओं को रोजगार देने के सिवाय फ्रांस के अंदर जाके उन कंपनियों को ये देख के भ्रष्टाचार के लिप्त होने की बात की। यानी कि जो बच्चियों के साथ लगातार गैंग रैप हो रहे हैं उसको लेकर के राहुल गांधी जी ने बोला है, क्या कुछ कहेंगे आप? आज राहुल गांधी ने जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ बहुत सारे चर्चाएं, मुद्दों के खिलाफ चर्चाएं कि हर तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार विफल रही है। जहां तक बच्चियों का सवाल है, आज मुख्यमंत्री खुद एक महिला होकर फिर भी राजस्थान में आज इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, तो ये एक रेप केसेस हो रहे हैं, तो एक बहुत शर्म की बात है। और आज जो इतनी महिलाएं रोड शो में शामिल हुई तो ये एक महिलाओं की तरफ से संदेश है कि राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ महिलाएं विश्वास कर रही है ताकि वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनको सुरक्षा दे सकती है। दलितों का लगातार शोषण हो रहा है और आप क्या कहेंगे? मैंने राहुल गांधी जी का भाषण बहुत सुना, गहराई से सुना और मैंने पॉइंट भी नोट किए। उन्होंने जो बेरोजगारी के उसके बारे में जो बताया, राफेल विमान के बारे में जो बताया, बड़ा शर्मनाक है इस सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, कि जो 500 करोड़ का जो वायदा किया हुआ 1600 करोड़ तक ले गए और उस व्यक्ति को दिया जो कंपनी 5 दिन पहले बनाई, फॉर्मेशन में आई और उस कंपनी को दे करके और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उससे छीन करके और फ्रांस की कंपनी एक काम कर रही है, ये बहुत बड़ा एक हिंदुस्तान के नौजवान बेरोजगारों के लिए कुठाराघात है। आप बताएंगे? मेरा निवेदन ये है कि आज सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर जयपुर तक जो
कांग्रेस के आम जन आए थे, जिस उत्साह से आए थे, जो अपने नेता को सुनना चाहते थे, उससे भी ज्यादा राहुल गांधी ने हर तबके के कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भरा हुआ है। और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस किस तरह से अपनी जो है परफॉर्मेंस रख सकती है? कैमरा पर्सन दिनेश पारी के साथ रहमान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।